वीडियो देखने वाले सारे दर्शक भाइयों ने राम राम। किसान भाइयों, आज आपको दिखाऊंगे मेस्सी फर्गुसन IMT 533 मेड इन यूगोस्लोविया। ये ट्रैक्टर आउट ऑफ इंडिया का बने उठा भाई, और इसको हमने ख़रीद लिया है। इसकी आवाज़ भी सुनाऊंगे आपने, लेकिन उससे पहले आपने एक बार दिखा दें हमें कि वो ट्रैक्टर कितना ओरिजिनल है। इसके हर चीज़ पे जो है मार के दिखाऊंगे आपने। लेकिन भाई, ये ट्रैक्टर एक बार किसान ने जो है रीपेंट करा रखा है, और इस पर स्टिकर जो है मेस्सी फर्गुसन 35 के लाग रहे हैं। लेकिन ट्रैक्टर जो है सारा का सारा भाई IMT 533 है, मेड इन यूगोस्लोविया। तो सबसे पहले इसकी मेन पहचान जो हो भाई है, ये एड्रेस शुरू होया अगर दिखा दें आपने। ए भाई, ये लो, इसकी ट्यूब पे मैन्युफैक्चरिंग डेट होया अगर 23/4/1980 का बने और 23 अप्रैल का यो, तो इसकी पासिंग हो रही है 1981 में। तो भाई, ये इस पर देख सको आप IMT का मार्क कर आया। ये भाई, यहाँ देख सको आप गियर बक्से पे IMT 533 का मार्क का, ये यहाँ पे देखो, देख सको आप ये लिख रहा IMT का मार्क ही हो रहा। देखो भाई, ये इसके गियर बक्से दिखाऊंगा अर्जुन का मार्क का IMT 533, ये यहाँ पर लिख रहा भाई IMT 533, ये यहाँ पर लिख रहा भाई IMT 533। और हर जगह दिखाता रहूँगा इसके मार के। ये भैया देखो, यहाँ पर लिख रहा ये हो रहा IMT 533। ब्रेक पैडल आप जो इसके पर मार्के हैं सारे सारी जगह पे। और भाई, ये इसका इंजन देख लो आप, इंजन भी लिखा होता है। और ये सेल्फ देख लो, इसका ओरिजिनल है, अल्टरनेटर चेंज हो रहा है भाई। और इसके बाद भी सुनाऊंगा आपने। रिम देख लो भाई, रिम बिल्कुल ओरिजिनल है। रिम आगे पीछे ना बता दूँ अपने क्यों है। आजकल के जो रिम हो, यहाँ पे वेल्डिंग होते हैं घेरे के साथ प्लेट, लेकिन इसमें देखो रपट होती थी, ये रपट ऐसे कैसे लग रही भाई, ये देख लो। और इसी तरह परले रिम में भी देख लो भाई, रपट लग रही है ऐसे कैसे। अच्छा भाई, ये इस पर देख लो भाई IMT का मार्का, ये रहा है यहाँ पर भी जो इसके आर्म है, स्पेंडल है, स्पेंडल भाई मार्का ही हो रहा है यहाँ पर। और इसकी ये भी ओरिजिनल भाई, सब कुछ मतलब हर जगह का ट्रैक्टर ओरिजिनल है। अच्छा भाई, ये पिछला रिम देख लो, पिछले रिम पे भी देखो रपट लग रही है हर जगह, मतलब पिछले रिम भी ओरिजिनल है। अब पिछले इसका गियर बॉक्स दिखाऊंगे भाई, ये देखो यहाँ पर भी IMT 533 का मार्का है। और ये देखो इस ट्यूब पर भी मार्का है भाई, हो रहा IMT 533। यह कंडीशन है भाई पीछे ट्रैक्टर की, और आगे तक भी ये और लारम भी देख लो भाई इसका। और भाई, ये इसके मार्के खुदरे जो भी है देखो, हर जगह मार्का है ट्रैक्टर पर भाई, हर जगह बिल्कुल। ये यहाँ पे भी गियर बक्से भी देख लो, ये भी लिख रहा है IMT 533, ठीक है भाई। और ये इसका इंजन गियर देख लो भाई। अब ट्रैक्टर की आवाज़ आपने सुनवा दें भाई। अच्छा, डैशबोर्ड दिखा दूँ पहले आपने। यो मीटर तो भाई गेल का है, यो भी शायद चेंज हो रहा होगा बाद का, लेकिन अब फिलहाल में पुराना है। ये मीटर भी शायद मैंने 7 का लग गया, बाकी ये दोनों कन्फर्म है कि चेंज हो रहे हैं भाई, ठीक है। शायद यो शायद 7 का हो सका है, लेकिन ये चेंज हो रहा है। तो भाई, एक बार अपने ट्रैक्टर की आवाज़ सुनाऊंगे, उससे पहले अपने दिखा दिया हमें। देखो ये ट्रैक्टर भाई, 3 गियर माओ है, आड़ तो है बैक इसका, 1 2 3, और आई लो के हिसाब दें इसके गियर हों भाई, 3 लो के, 3 आई के, 6 गियर आगे के, और 1 आई और 1 लो, 2 गियर पीछे के। तो भाई, ये बात अपने ट्रैक्टर की आवाज़ सुना दें। अच्छा, एक बार ये और दिखा दूँ भाई अपने। ये इसकी उरली प्लेट रही, और भाई ये इसकी मैन्युफैक्चरिंग की परली प्लेट भी रही। इसकी RC भी है भाई इस ट्रैक्टर की। और भाई, एक बार आपने जो है ना आवाज़ देखो ट्रैक्टर की भाई, ट्रैक्टर बतेरे देखे होंगे आपने, और हमने आप तो बहुत दिखाए हैं ट्रैक्टर, लेकिन आपने इतनी शानदार आवाज़ किसी ट्रैक्टर की देखने नहीं मिलेगी भाई, जितनी शानदार आपने ट्रैक्टर की आवाज़ है। ये देखो भाई, ट्रैक्टर स्टार्ट हो गया, केवल आपको फैन बेल्ट घूमती दिखेगी। ये देखो
आवाज़ देखो भाई ट्रैक्टर की किसी आ रही है। ठीक है भाई, हमने वीडियो और किसान भैया की भी बनाई, IMT 533 की, अपने ट्रैक्टर की भी बनाई। ट्रैक्टर बहुत सारे देखे कंडीशन में, इसके बाद ट्रैक्टर भी है भाई। यहाँ तो भाई लोगो उतर रहे हैं इसका, बाकी शो में कोई गलावट वगैरह कुछ नहीं है। तो भाई यह ट्रैक्टर की आवाज़ सुनो आप, डायफ्राम पंप का है। ट्रैक्टर में कोई भी काम करवाने की ज़रूरत नहीं, ना इंजन में ना गियर में। लाइट तक भी भाई साथ की है ओरिजिनल, ये देखो साथ की ओरिजिनल लाइट है इसकी। तो भाई ट्रैक्टर की आवाज़ आपने सुन ली, एक बार आपने रेस देकर दिखा दें ट्रैक्टर में। ये भाई ये देखो भाई आवाज़, कोई वाइब्रेशन नहीं कुछ नहीं, और भी तेज़ आवाज़ कर देंगे भाई एक बार। ये देखो भाई कोई धुम्मा नहीं कुछ नहीं ट्रैक्टर में। वापिस सलो में छोड़ दिया ट्रैक्टर, ये फिर आवाज़ सुनो, सलो की आवाज़ सुनो ट्रैक्टर की बिल्कुल। तो देख सको ट्रैक्टर ना आप कितनी स्लो, मतलब कितना प्यारा साउंड है ट्रैक्टर का। आप कह सको हो कि हाँ भाई देखो ट्रैक्टर स्टार्ट है, ये मैं सोचा कि बंद हो गया, ये देखो मतलब ट्रैक्टर का साउंड ही इतना स्लो है भाई के बराबर में जो अगर बाइक या कार की आवाज़ आएगा ना हल्की हल्की स्टार्ट हुए पीछे, इतनी आवाज़ है भाई। और भाई वो ट्रैक्टर भाई मैं बेचने खातर ले रहा हूँ, क्योंकि अपना व्यापार का भी काम है भाई। तो भाई किसान भाइयों इसके रेट जिसने पता करना हो, ट्रैक्टर भाई मेरे घर पर खड़ा है, मेरा नंबर 999-184-6140 है भाई। जिस भी किसान भाई ने लेना तो सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे के बीच में फ़ोन करियो, उसके बाद भाई फ़ोन मत करियो। और भाई मैं आपने एक और चीज़ दिखा दूँ कि मेरे पास आज कौन से ट्रैक्टर खड़े हैं आज की डेट में। एक यो खड़ा है भाई HMT 2522 भाई, फिलहाल मैं इस ट्रैक्टर में बेचू नहीं हूँ, कंडीशन आपने देखा तो सारा ओरिजिनल ट्रैक्टर है। टायर इसके भाई मैंने इसमें सीएट के टायर आए थे, चारों में इसके बदल दिए थे। अगले टायर भाई BKT कमांडर के हैं और 616 के बिल्कुल नए टायर है। देखो कंडीशन तो आपने बेरा लग रहा होगा। और भाई पिछले टायर इसमें जो है BKT के है, BKT PR 171 और भाई साइज है 13/6/28 के। और भाई इसकी मैंने टूटी पलट के लीक चोरी कर रखी है, टूटी भीतर जा रही है रेमा में। और भाई ये ट्रैक्टर है भी एक अलग तरीके का, इसके अंदर भाई सेंटर गियर दे रखे कंपनी ने, और आइलो का वो उधर है भाई साइड में, और ये PTO का। और ये ट्रैक्टर भाई ड्यूअल क्लच है पैर में ही, वैसे भी जीटर भाई इसमें स्टार्टिंग पे ड्यूअल क्लच आए थे। और इसमें भाई लिफ्ट जो है ना जोंडियर टाइप हम इसने बोल्स के हैं, मिट्टा की लिफ्ट हो गई, मिट्टा की इन हम जोंडियर टाइप बोल्स के हैं। इसकी सीट ख़राब हो रही है भाई, सीट मैंने इसकी बदल दी थी, सीट इसके ऊपर लगा रखी मैंने सीट बेल्ट डाली। और भाई ये आता हम इसमें आगे पीछे कर सके हैं, और एक ये पॉइंट मैं पीछे दिखाऊंगा उस तो ऊपर नीचे कर सके हैं। और भाई अगर ये सेंसर के हम तार लगा दें, तो सेंसर के तार लगाने के बाद ट्रैक्टर जो है भाई जब सीट पर कोई बैठा होगा जब स्टार्ट होगा, अगर वरना स्टार्ट नहीं होगा। सारा ओरिजिनल ट्रैक्टर है भाई, और भाई मौके पर मैंने सर्विस भी करवाई, पर मैं ट्रैक्टर में बेचना नहीं चाहता भाई। नई छतरी है, नई बैटरी है बिल्कुल। और भाई ये देखो मैं लिफ्ट जो है पीछे दिखा दी मैं अपने, ये इसके अंदर ना ये दो जैक है भाई, आमतौर पर अपने सेंसिंग वाला जैक जो है तकरीबन ट्रैक्टर में एक देखने मिला होगा, इसमें दो हैं। ये जोंडियर के कुछ मॉडलों में भी ये लिफ्ट आती थी, इसने मिट्टा की लिफ्ट बोल रहा भाई, मिट्टा की कह दे कोई मिट्टा की कह दे है, थोड़ा उच्चारण का फर्क उसके है। अच्छा बाकी भाई ये सीट जो है ना ये दोनों कहने के लोक ढीले करके इस नाम इतना ही स्पेस रहा, इतनी ऊपर नीचे उसके ही। और बाकी आप वेट याद एडजस्ट कर सको हो, तो भाई जैसे मेरे में 70 किलो जना तो मैंने यह फिर भी 75 पर कर रखी, 70 और 80 के बीच में। बाकी सीट बेल्ट वगैरह सब सुविधा इस ट्रैक्टर में। तो भाई ये ट्रैक्टर मेरा टोटल ओरिजिनल ट्रैक्टर है,
यार मैंने इसके चेंज कर रखे और इसका कोई पार्ट चेंज नहीं, एक सीट मैंने चेंज करी है। इसकी सीट भाई ख़राब हो रही थी। और भाई दो ट्रैक्टर और खड़े हैं अपने में, और दिखा दूँ अपने में। एक ये हो भाई अपना इंटरनेशनल 444, ये ट्रैक्टर भी भाई मेरे तो बेका हुआ किसी एनसी दो, पूरा ट्रैक्टर कलर पेंट हो रहा है, 2K का पेंट करा रखा है इस पर। इसका इंजन कर जो है हीटर वाला इंजन आया करते हैं पहले, इसका इंजन जो भाई हमने BI बना रखा है। और कलर की आप क्वालिटी देखे उसको भाई, किस तरह देखो चमका लग लग रहा है। और फिलहाल में जो ट्रैक्टर पर धो नहीं रहा है, देखा होगा आपने, देखो रेत माटी लगा खड़ा ट्रैक्टर पर, ठीक है। ये ट्रैक्टर भी भाई मैं बेचू हूँ, इस पर भी नई बैटरी है भाई, नई छतरी है, लेकिन छतरी का थोड़ा सा यो यहाँ तक लाग गई थी एक दिन, यहाँ पेड़ में खेत में पाटरी, बाकी कपड़ा वपड़ा सब नया है। तो भाई ये ट्रैक्टर भी मैं बेचूँ, इसका इंजन भाई जो DI कर रखा है और ताकत भी बढ़ा रखी है इसके इंजन की। और भाई टायर कंडीशन में आपने इसकी दिखा दूँ, ये देखो भाई अगले टायर में मानो लगभग 60 पीसे 70 पीसे टायर है। और भाई पिछले टायर भी देखो भाई, ये देखो दो उंगलियां हैं गुड्डी में, तो लगभग नू मानो 60 पीसे के आसपास पिछले टायर भी हैं। और पिछला टायर सर्विस में जो है ना 14/28 का है यूरा। और ये ट्रैक्टर रोड पर भाई इसकी स्पीड भी बढ़ा रखी, 65 की स्पीड बाज ले है बिना RPM छेड़े, जो उसके रेटेड RPM है ना 3500, तो लगभग इसके 3000 RPM तक के जावा हैं आगे रेस बन रही जैसे, तो उन 3000 RPM में ये ट्रैक्टर भाई जो है ना लगभग 65 की स्पीड बाज ले 14 के टायर में। भाई इसका गियर का भी काम हो रहा है, इंजन का भी काम हो रहा है, सारा काम कंप्लीट है। नई बैटरी दरवाई थी और इस पर भाई, और नई छतरी है, बम्पर वगैरह गिज मिला गिरा, बढ़िया ट्रैक्टर है, इंजन गियर का सब फिट करती। ये इसका पिछला हिस्सा देख लो भाई, साफ सुथरा ट्रैक्टर है, कोई जरा गड़ा उड़ नहीं ट्रैक्टर। और भाई एक यो खेड़ा अपना पिछले गया ना भाई, इस पर कवर ढक रखा है, यो भाई मेरा सब नया ट्रैक्टर है। अगर कोई किसान भाई ठीक पैसे लगाओगे तो भाई इसने बेच देंगे। ये दिखा दूँ मैं अपना, यो भाई सोनालिका का वर्ल्ड ट्रैक 60 RX शो में। यो ट्रैक्टर भाई छोटी दिवाली वाले दिन 2019 में लाए थे, मतलब अक्टूबर या नवंबर में थी दिवाली, या तो अक्टूबर के लास्ट में हो गया नवंबर के फर्स्ट में, एक्चुअल डेट तो मेरा याद नहीं है। तो भाई ये ट्रैक्टर भी मैंने बेचना है, यो मात्र आज तक जेन्युइन 630 घंटे ट्रैक्टर चल रहे हैं। आगे 1.43 किलो का बंपर लगा रखे है बिल्कुल पूरा भी ड्यूटी, क्योंकि मैं गन्ने की खेती करूँ तो उसमें मैंने बंपर की ज़्यादा ज़रूरत पड़े भाई, पूरा भी लगा रखा है। ये देखो कितनी मोटी मोटी प्लेट है भाई, और टायर कंडीशन अपना दिखने लग गई भाई, देखो पूरा टायर रह रहा है कभी। और पिछले टायर भी ये देख लो भाई, दिख लग रहा अपना पूरी गुड्डी नू किनू। तो भाई 630 घंटे में देखिए ट्रैक्टर बस रवायो हनु मान लो भाई, बाकी ये देखो कोई कलर पेंट या जरा गला हुआ कोई भी नुकसान नहीं ट्रैक्टर में। और भाई अगले टायर पर मुर्गाड़ लग रहे हैं, और पीछे टूल लुआ रखे वाटर प्रूफ वाला, ताकि बारिश वारिश आ जाए तो आपके चाबी पन्ने में या वॉशिंग करवाते समय पानी ना घुसे। तो भाई ट्रैक्टर आपने देख लिया, इन ट्रैक्टर के अलावा भाई एक ट्रैक्टर और खड़ा है अपने पास, ये तो खड़े हैं अपने गेयर में प्लाट में भाई, और वो ट्रैक्टर खड़ा भाई अपने घर पर सोनालिका 740। वो ट्रैक्टर भी मैं बेचता नहीं, एक तो ये बिकाऊ सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 60, एक ये इंटरनेशनल 444 बिकाऊ है भाई। और भाई एक अपना यो बिका हुआ है IMT 533, तो ये दो ट्रैक्टर बिकाऊँ भाई अपने, जिस भी किसान भाई ने लेना हो इनका रेट बुझना हो, इसके ही पेपर हैं भाई, उसके ही पेपर हैं, और उसके ही पेपर, उसका तो इंश्योरेंस भी भाई सोनालिका वर्ल्ड ट्रैक 60 का। तो भाई जिन्हें भी लेने हो घंटी मार लियो भाई, नंबर एक बार फिर बता दूँ 999-184-6140, सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक रेट रेट बता देंगे। और भाई मेरे हिसाब में जितने भी IMT 533 ट्रैक्टर आपने देखे हूँ ना, तो इस तरह सस्ता कोई ट्रैक्टर आपने पाओगा नहीं। तो भाई मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में,
तब तक के लिए सारे किसान भाई ने राम राम, जय जवान, जय किसान, जय हिंद, जय भारत। और भाई चलते चलते अपने ट्रैक्टर की आवाज़ एक बार फिर सुना दूँ कि कितनी प्यारी आवाज़ है इसकी भाई। ये लोग हरदम मानिए कुछ भी ऊपर भाई, बिल्कुल देखिए सिलेंसर दिखा दूँ मैं आपने, ये सही तरिया। ये देखो भाई को दुमा दमा कुछ नहीं ट्रैक्टर में, बिल्कुल भी सारा साफ सुथरा ट्रैक्टर, कति कुछ जरा गड़ा हुआ नहीं है। हाँ किसान ने एक बार पेंट जरूर करवा रखा है भाई ट्रैक्टर को, और दोबारा से आपने लियोगे तो पेंट कराना पड़ेगा ज़रूर। बाकी इंजन गियर का फुल ट्रैक्टर रेडी है भाई। तो भाई ये देख लो ट्रैक्टर, जैसा आपने लग गया लेना हो तो मेरे तो भाई संपर्क कर लियो।